हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है एमसीक्यू बेस का, उसका मैं आंसर्स की लेके आया हूँ। जो आपका अभी बीकॉम सेकेंड ईयर का एक ही पेपर हुआ है, ग्रुप ए, जिस ग्रुप ए में दो सब्जेक्ट्स आया है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, देखिए बीकॉम सेकेंड ईयर, देखिए साफ साफ बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, देखिए ग्रुप ए, ग्रुप ए में जिसको हम अकाउंट स्टेट्स कहते हैं, इससे पेपर वन है, पेपर वन कॉस्ट अकाउंटिंग और पेपर टू आपका इनकम टैक्स है। तो इसमें जो 75 क्वेश्चंस हैं, उन 75 क्वेश्चंस पे हम काम करने जा रहे हैं। आइए, इस पे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, ये क्वेश्चंस गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स एक से ज्यादा हैं। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात कर लें हम, तो फिलहाल हम इस पे काम कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स, वैसे कई मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट डिटरमाइन करना होता है, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना होता है, कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट होता है। इनमें से देखिए आप, ये फिक्सेशन सेलिंग प्राइस भी आपका एक ऑप्शन है, कॉस्ट कंट्रोल भी एक ऑप्शन है। यानी देखा जाए तो ये इस क्वेश्चन में दो आंसर सामने आ रहे हैं। अब यहां पर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम क्या है, कुछ जगहों पर रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पे जो आंसर्स हैं, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वह होगा आपका कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट अगर मैं कहूं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो दो होता है, एक डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट जो इसमें है ही नहीं, दूसरा कॉस्ट कंट्रोल ये है। तो इसका आंसर, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी का जो आंसर्स की आएगा वहां उन्होंने क्या मेंशन किया है, ये बात की बात है। ठीक है, मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट आंसर इसका कॉस्ट कंट्रोल होगा। होने को तो ये भी हो सकता है, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहां आपको अपने एप्रोप्रिएट हिसाब से काम करना होगा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट्स। यानी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, फीफो, लीफो, हीफो, मीफो, बेस स्टॉक मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटरी मेथड, उन मेथड्स में एक पूछ कह रहा है कि बताइए कौन सा ऐसा मेथड है जो लेटेस्ट प्रिवेलिंग प्राइस, जो मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है, जो चल रहा है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो ये आपका रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड होता है। इसे बहुत से बच्चों ने लीफो भी लिखा है, ठीक है ना, लेकिन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस में क्या होता है कि जिस डेट को हम इश्यू कर रहे हैं, उस डेट को जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है, हम उसी प्राइस पे उसको इश्यू कर देते हैं। यानी जिस प्राइस पे हम खरीदे हैं उस पे इश्यू नहीं करते हैं। यानी जिस डेट को मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था वो प्राइस क्या है, और जिस डेट को मैं स्टोर से फैक्ट्री को रॉ मटेरियल इशू कर रहा हूं वो प्राइस अलग है। तो जिस डेट को हम इशू कर रहे हैं, उस डेट को जो मार्केट में रॉ मटेरियल का परचेस प्राइस चल रहा है उस पे इशू करेंगे। तो ये होगा रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। आइए फिर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्म करने में, डिसीजंस लेने में, प्राइस को फिक्स, कई जगहों पे कॉस्ट अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट्स को हेल्प करते हैं बहुत चीज। पर ये क्या ऑप्शंस है, ऑप्शन देखिए, पहला अर्निंग प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में संभव है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू, ये भी सही है, फिक्सिंग प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स के प्राइस को फिक्स करने में। यानी यहां पे अगर मैं कहूं तो ये सब है, बट इन सब का आंसर अगर मैं कहूं आपसे, इन सब में से बेस्ट आंसर आपका कौन सा होगा, तो
इनमें ऑल ऑफ दीज पे जाएंगे आप, ये सारे ऑप्शंस होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर फोर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस विच इन्वेंट्री प्राइस मेथड टेंड्स टू फिक्स अ हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर बाजार में प्राइसेस बढ़ रहे हो मटेरियल्स के, तो उस केस में हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए फिक्स करने के लिए हम लीफो मेथड्स पे जाएंगे। किससे जाएंगे? लीफो से जाएंगे। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। फाइव, ये क्या कह रहा है देखिए, इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कॉस्ट आर असर्टेन कॉस्ट सेंटर। हमारा जो प्रोडक्ट्स है ना, उस प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कई जगहों पे होती है, मशीन पर भी होती है, मैन पर भी होती है, ठीक है ना, कई जगहों पे होती है, फैक्ट्री पर भी होती है। तो उसमें जहां जहां उस कॉस्ट होती है ना, उस सेगमेंट जो है वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। यानी क्या आंसर होगा आपका? कॉस्ट सेंटर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें सिक्स की बात करें, देखिए क्या दिया। सिक्स है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल फिक्सिंग। इसमें मैक्सिमम लिमिट भी है, मिनिमम लिमिट भी है, रीऑर्डर, यानी इसमें ऑल हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा। सेवन, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्रीज। जो रॉ मटेरियल हम खरीद के स्टोर करते हैं और उसी रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्शन के लिए भेजते हैं, जो रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है। तो स्टोरेज कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट से है। तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर मेंटेन, जो इन्वेंट्री हम खरीदे हैं उसको मेंटेन करने का जो कॉस्ट होता है वो कैरिंग कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरिंग कॉस्ट कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं। रोमन प्रीमियम प्लान इज इंप्रूवमेंट ओवर, ये क्या है? हम लोग लेबर में हैं, लेबर में जो वेजेस डिटरमाइन करने के तीन मेथड्स हैं, टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड और इंसेंटिव मेथड। इंसेंटिव मेथड्स में हॉलसे, रोवन, टेलर, मेरिक, इमर्सन, गैंट, कई मेथड्स हैं। उसमें रोवन की बात कर रहा है, रोवन नंबर दो पे है। सबसे पहले इंसेंटिव बिजनेस में हॉलसे प्रीमियम प्लान है और हॉलसे प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम दोनों मिलते हैं, बस एक जगह अंतर है, बोनस डिटरमाइन करने का। तो हॉलसे ने जो थ्योरी दी थी उसी थ्योरी को रोवन ने क्या किया था? रिवाइज किया था उस पे। यानी हॉलसे थ्योरी का इंप्रूवमेंट क्या है? रोवन है। पढ़ी क्या दिया? रोवन प्रीमियम प्लान इज एन इंप्रूवमेंट ओवर, किसका इंप्रूवमेंट है ये? हॉलसे प्रीमियम प्लान का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नाइन। नॉर्मल कॉस्ट आर जनरली कॉस्ट, देखिए नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन में इंकर्ड होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, मटेरियल, लेबर वगैरह, तो वो कॉस्ट क्या होता है? कंट्रोलेबल। इसको हम कंट्रोल, फिक्स कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी जो फिक्स कॉस्ट है वो अनकंट्रोलेबल है और जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है यानी मटेरियल, लेबर, वो आपका क्या है? कंट्रोलेबल है। यानी इस केस में जो आपका आंसर होगा वो कंट्रोलेबल होगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज, यहां भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसने भी इस क्वेश्चन को सेट किया ना, उसने बच्चों के लिए कई ऑप्शन दे दिया। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो रिकवर्ड किया जाता है, मटेरियल बेसिस पे भी होता है, वेजेस बेसिस पे भी होता है, ठीक है ना, प्राइम कॉस्ट बेसिस पे भी होता है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट मोस्टली जगहों पर इसका जो यूज होता है वो डायरेक्ट वेजेस पे होता है। किस किस पे होता है? डायरेक्ट वेजेस पे होता है, ठीक है। जबकि ऑप्शन ए भी है, आप बुक खोलिएगा तो आप देखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स कहां कहां एब्जॉर्ब होता है। तो वहां मटेरियल भी है, वेजेस भी है, प्राइम कॉस्ट भी है, बट बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? डायरेक्ट वेजेस है। तो ऐसे कई क्वेश्चन से जहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बट ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। कह रहा है कि 11 में देखिए क्या है कि कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट्स। डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली एलोकेटेड हो, सीधे उस प्रोडक्ट से, वो क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। पैकिंग कॉस्ट जो होती है वो सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट होता है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 13 में आते हैं। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, सारे डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस, यानी अगर हम प्राइम कॉस्ट की बात करें तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। मशीन हैव रेट मेथड इज, मशीन हैव रेट मेथड इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। सुनिए, हमारे फैक्ट्री में जो काम होता है वो दो बेसिस पे होता है, मैन पावर
मैन बेसिस, मशीन बेसिस। जहां मोस्टली काम लेबर करते हैं वो मैन आवर बेसिस पे होता है, और जहां मोस्टली काम मशीन से होता है वो मशीन आवर रेट होता है। यहां किसने बात किया? मशीन की बात किया। तो मशीन कहां लगा होता? फैक्ट्री में। तो इसका ऑफिस, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ही नहीं है। यानी ये क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आई, 15 नंबर कह रहा है कि इन कॉम्पुटेशन ऑफ मशीन आवर रेट लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस आर अपोर्शनेट। यानी जो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह बांटते हैं, किस तरह उसका अपोर्शनमेंट करते हैं, ये पढ़िए। इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन, बस यही होगा पहला ऑप्शन आपका। ठीक है ना, यानी जो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं उनको जो हम अपोर्शन करते हैं उसका बेसिस क्या होता है ना, वर्कर्स जो है इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन वेरियस मशीन, जितने वर्कर्स हैं मशीन पे उनके हिसाब से होगा। ठीक है, 15 था, क्वेश्चन 16 में आई। वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड, वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटने से घटेगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक कॉस्ट क्या होता है? जीरो होता है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन द टोटल ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, क्या कह रहा है देखिए। मेंशन द आइटम्स ऑफ एक्सपेंस व्हिच इज एक्सक्लूडेड टर्म्स कॉस्ट अकाउंट्स। सुनिए, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं, कॉस्ट अकाउंट दिखाए जाते हैं फाइनेंशियल में नहीं। ये पूछ रहा है बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग में इनमें से कौन सा आइटम कंसिडर नहीं होता है। यानी प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट निकालते समय फाइनेंशियल आइटम्स मैक्सिमम होते हैं, वो इनकम टैक्स है, ये कहीं भी कंसिडर नहीं होता है। फिर मशीन आवर रेट मेथड इज यूज्ड इन, मैंने अभी बताया है मशीन कहां होता है, मशीन जहां जहां इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन मशीन बेस पे होता है। तो पढ़िए, मशीन बेस इंडस्ट्रीज, लेबर बेस, सबसे पहला आंसर यही हो गया, मशीन बेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। मटेरियल इश्यूड एट प्राइस एट लेटेस्ट प्राइस, यानी वह मटेरियल जो जो लेटेस्ट प्राइस पे इशू किया जाता है, लीफो मेथड क्या होता है, जो पहले आया जो लास्ट में आया हो जाएगा, तो जो लास्ट में आया वही तो पहले जाएगा। यानी यहां पे कौन सा मेथड है आपका, सॉरी ये आपका लीफो हुआ। वैसे पढ़िए, मटेरियल इश्यूड्स आर प्राइस्ड एट द लेटेस्ट प्राइस, वह मटेरियल जो स्टोर से फैक्ट्री को इशू होता है लेटेस्ट प्राइस पे, वो कौन सा मेथड होता है, लीफो मेथड होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 20 पे आइए। इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट देन द प्रॉफिट ऑफ सेल्स वुड बी, प्रॉफिट दो तरह से निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स। यहां कॉस्ट पे दिया है, सेल्स पे कन्वर्ट करना है। कई जगह सेल्स पे दिया होता है, कॉस्ट पे, इसके लिए क्या होता है पता है आपको? इस केस में हम कैसे करते हैं, यहां पे हम रेट निकालने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, 100 प्लस रेट करते हैं। यानी कितना परसेंट है, 25 अपॉन 125, यानी 1/5, और 1/5 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 20%। जब परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/5 को तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 20% होगा। आइए फिर बात करते हैं 21 पे। Which of the following is not merit of routine checking? Routine checking जहां हम daily अपने books of accounts जो records करते हैं, arithmetical accuracy को check करें, daily routine check करते हैं कि सब proper record हो रहा है, कहीं गलतियां तो नहीं है, छोटे स्तर के frauds वगैरह भी, scams भी खोज दिए जाते हैं। पढ़िए, इसमें से कौन routine checking का आपका merit नहीं है, बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट है, इसी बेसिस पे जो बुक्स मेंटेन होता है उसी बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनता है। इंक्रीज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये तो फिलहाल नहीं लग रहा है। क्रेडिबिलिटी ऑफ अर्थमेट, राइट, इससे अर्थमेट का कुछ प्रूफ होता है। डिस्क्लोजर ऑफ कॉमन फ्रॉड, राइट, छोटे मोटे फ्रॉड खुल जाते हैं, यानी यहां आंसर आपका बी होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग जब हम वाउचर्स के बेसिस पे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं तो वह हमारा क्या होता है, वाउचिंग होता है। ये बुक्स ऑफ जो ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स होती है वहां होता है। पढ़िए, ऑथेंटिसिटी ऑफ द एक्यूरेसी ट्रुथ सही है भी, सेटिस्फेक्शन ऑफ एंट्रीज ये भी सही है, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये अभी नहीं लग रहा है, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन यही है, सी सी आपका नॉट फीचर ऑफ नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। आइए फिर आगे बढ़ता हूं
क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्या दिया है? ओवरहेड इज टोटल ऑफ, ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ओवरहेड्स इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि इन सबका टोटल ये हो गया। ओवरहेड किसका टोटल है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट। दिस इज पार्ट ऑफ, इनमें से कौन प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है? तो एबनॉर्मल वेस्टेज हमारे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं, इसको कहीं कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फिर एक और क्वेश्चन आ गया, यहां भी ऑप्शंस में वर्क कॉस्ट हो सकता है, परसेंटेज ऑन सेलिंग ऑफ ईच हो सकता है, इसमें भी दो ऑप्शंस है, बट इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका जानते हैं क्या है? वर्क कॉस्ट है। फिर आपका डायरेक्टर रेमुनेशन एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेमुनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में, जहां एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं लोग वहां हम डायरेक्टर कमीशन देते हैं, और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट है। ठीक है, आइए 27 में आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट। ठीक है, वाउचर रिलेट्स कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट सबसे रिलेटेड है, यानी बाउचर सबके रिगार्डिंग होता है। ठीक है, आई ऑडिटिंग बिगेंस वेयर अकाउंटिंग इंड, सुनिए, जहां जहां बुक कीपिंग इंड होता है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, जहां अकाउंटिंग इंड होता है वहां ऑडिट स्टार्ट होता है, और जहां ऑडिट इंड होता है वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, यहां अकाउंटिंग होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड डैश डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, दो ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग की, प्राइमरी और सब्सिडरी, और ये जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड है ना वो सब्सिडरीज में आता है। कहाँ आता है? सब्सिडरीज में आता है। क्वेश्चन 31, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग लॉयन ब्लड हाउंड, ऑडिटर वॉच डॉग है, वो अपने जिसने उसको अपॉइंट किया है उसको वो रिपोर्ट बताएगा कि किसने कहाँ एरर्स है, किसने फ्रॉड किया है, पर ऑडिटर का काम जो फ्रॉड किए हैं एरर्स किए हैं उनको काटना नहीं है, बस निगरानी करना है और मालिक को बताना है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या आ जाएगा? वॉच डॉग आ जाएगा। ओके, फिर ऑडिट प्रोग्राम शुड बी रिटेन, ये हमेशा रिटेन होता है। आगे क्वेश्चन 33, इन टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग में हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक ना करके स्पेसिफिक को चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन में है स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। अंडर वाउचिंग इज डन ऑफ, पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं, अंडर वाउचिंग इज डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फाइनल बुक्स, नो, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उन्हीं की वाउचिंग होती है, तो ये आपका यही ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 35 में आइए, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट, हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज टू टाइप, कंप्लीट एंड इनकंप्लीट, इनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में जितना काम हुआ होता है उसका प्रॉफिट जो होता है वो सीधे पीएम में जाता है, उसका एक पार्ट पीएम में जाता है, एक पार्ट रिजर्व हो जाता है, तो वही पूछ रहा, बताइए अगर 50% काम हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का तो कितना हिस्सा पीएम में जाएगा, तो 2/3 जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 2/3 जाएगा, ये सी आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर, अब यहां से इनकम टैक्स स्टार्ट होने वाला है, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम, कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनसे होने वाली इनकम पार्टली एग्रीकल्चर है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे एग्जेम्प्ट होता है टैक्स और नॉन एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं, तो अगर आप चाय का बगान लगाए हैं और चाय उगा के बेच रहे हैं तो उस चाय का 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, फिर अगला, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स शैल बी इंपोज बाय, किस रेट से लगता है? 4% दोनों मिलके। ठीक है ना, फिर आगे हम आ रहे थे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एक इंप्लॉयर जो अपने इंप्लॉय को रहने का मकान नहीं देता है उसके बदले वो अलाउंसेस देता है, और उस अलाउंसेस का नाम क्या है? एचआरए। क्या है? एचआरए। ओके, एचआरए जो इंप्लॉय को मिलता है क्या वो फुली टैक्सेबल है, क्या वो फुली एग्जेम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जेम्प्ट है, पर ये फुली एग्जेम्प्टेड नहीं, अप टू लिमिट, ये होगा आंसर, यानी एचआरए एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है। आगे कह रहा है कि द मैक्सिमम डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस गिवन ऑन रेंट, यहां बहुत गलतियां स्टूडेंट ने किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दो केस में है, अगर आप मकान जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है अगर वो किराए पे उठा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं है, बट अगर वह मकान
खुद रह रहे हैं अपने मकान में आप, तो इंटरेस्ट और लोन की लिमिट्स है। यहां क्या पूछा है देखिए, गिवन ऑन रेंट पूछा है। तो अगर आपने अपना मकान किराए पर उठाया है और वो मकान लोन में बना है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई लिमिट नहीं होगी, यानी जितना इंटरेस्ट होगा वो सारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, अलाउड हो जाएगा। क्लियर है? और बच्चों ने यहां पे 2 लाख का ऑप्शन किया है। ये कब होता है? जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, अगर एसएससी अपने ही मकान में रह रहा हो, मकान लोन पे बना हुआ है, तो उस केस में 30,000 या 2 लाख की लिमिट होती है। बट अगर मकान किराए पर उठाया है और मकान लोन पे बना हुआ है, तो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो अलाउड होता है, तो नो लिमिट, जितना होगा सब अलाउड हो जाएगा। 40 में क्या है, द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पोस्ट सर्विस इज नोन एज। एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है, तो पेंशन मिलता है। बहुत सिंपल सी बात, पेंशन मिलता है। ठीक है, द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया इज एग्जिस्ट फ्रॉम द ईयर 1961। ठीक है ना, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 42, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल इनकम ऑन इनकम ओनली। ये इनकम, बहुत से बच्चों ने यहां पे हमसे बात किया कि सर ये तो ऑन इनकम ओनली होगा। नहीं, कुछ जगहों पे रिसीव इनकम भी टैक्स होता है, जैसे रिसीव पेमेंट वाला बनता है, तो ये कोई मैटर नहीं है, सिर्फ इनकम की बात करिए। ठीक है, कहीं कहीं रिसीव इनकम पे, कहीं कहीं ऑन इनकम पे, तो हम सिर्फ इनकम की बात करेंगे। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, इनकम होगा आपका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सीबीडीटी। आपको मैं इसके बारे में बहुत चीजें बताया हूं, सीबीडीटी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए ऑप्शन में कहीं है कि नहीं है, ऑप्शन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट 44, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मींस अंडर सेक्शन। अगर आप पर्सन की बात करिए, तो पर्सन आप किस सेक्शन में पढ़ते हैं पता है ना आपको, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। ठीक है ना, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में पर्सन को एक्सप्लेन किया गया। और पर्सन में इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, कंपनी सब आता है। पढ़िए, इंडिविजुअल भी है, HUF भी, यानी सब इसका आंसर ऑल हो जाएगा। A very senior citizen shall be that individual for purpose of income tax whose age is at least, senior citizen 60 से 80 साल, super senior citizen 80 साल के ऊपर, तो यहां तो 60 साल ऑप्शन है ही नहीं, and none of these, and super senior citizen कब होता है, above 80 years, above 80 years, ठीक है ना, above 80 years, तो ये D आंसर हो जाएगा आपका। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे आता हूं, हु मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो नॉट का मतलब यहां जान लीजिएगा, एनओआर की बात हो रही है, एनओआर, एनओआर, एक ओआर होता है, एक एनओआर होता है, एक एनआर होता है, इनमें से कौन एनओआर हो सकता है, फॉर्म नहीं हो सकती, कंपनी हो सकता है, एओपी, यानी एनओआर कौन हो सकता है, एचयूएफ हो सकती है। In which section of Income Tax Act exempted income have been mentioned? किस section में exempted income है? Section 10 में। आइए आगे 48. Exempted income is interest from domestic company taxable है, dividend from, यही है आपका dividend, Indian company से मिलने वाला dividend क्या होता है, exempt होता है, dividend from domestic company, और सब taxable है। फिर maximum amount of interest exemption on individual account in post office saving। अगर आपने post office में saving accounts खोला है और वो single नाम से है, individual नाम से है, तो एक साल में जो आप ब्याज कमाए हैं उस पर 3500 का interest exempt होगा, और joint account है तो 7000। देखिए इसमें option है 3500, यानी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुला है उस पर जो आप साल भर में ब्याज कमा है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 का एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर 50 पे आते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शंस एज एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है, तो वह एंटरटेनमेंट मैक्सिमम कितना तक एग्जेम्प्ट होता है, 5000 तक है, ऑप्शन 5000। देखिए सैलरी इंक्लूड्स वेजेस कमीशन ऑन सेल्फ, सब सैलरी में सब शामिल, ऑल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ फॉलोइंग इनकम्स इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इसमें से कौन फुली एग्जेम्प्ट है, डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल है, फॉरेन अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फॉर्म आरपीएफ, जो आपका पीएफ मेंटेन होता है ना, जो आपका पीएफ कटता है और एम्प्लॉयर भी पीएफ में जमा करता है, उस पर आपको ब्याज मिलता है, कितना तक का ब्याज एग्जेम्प्ट है, 9.5 तक का, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। ठीक है, 54 पे आते हैं, डिडक्शंस फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस
इज अवेल्ड बाई जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिलेशन मिलता है वो सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है, ओनली गवर्नमेंट इंप्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट और किसी को नहीं मिलता है। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक इंप्लॉय, गार्डनर, कार, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये विशेष कर्मचारी को मिलता है, ये स्पेसिफिक इंप्लॉय आंसर होगा यहां पे। फिर इन केस ऑफ सिवियर डिसेबिलिटी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD में मैक्सिमम क्या होगा, यानी 80DD में अगर आपको कोई विशेष बीमारी है, सिवियर डिजीज है, तो वहां पे 125,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। आइए 58 पे आते हैं। इनकम टैक्स इज डिवाइडेड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग, पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में सर जेम्स विल्सन लगाया था किस ईयर में, 1816। इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आप किसी को रेंट पे दे दिए, जो भी आपको रेवेन्यू मिलेगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। आइए 60 पे आते हैं। शेयर ऑफ पार्टनर इन अ फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, एक अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं और आप फॉर्म से प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो वह प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स आपका नहीं लेगा, यानी फॉर्म से मिलने वाला शेयर पार्टनर्स के लिए एग्जेम्प्ट होता है। एवरी ईयर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मे बी चेंज, नहीं ऑप्शन होगा, विल सर्टिफिकेट नहीं, हर साल अलग अलग हो सकता है, तो मे बी चेंज होगा। 62 ईयर एंडिंग 31st March इमीडिएटली प्रायर ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर जो आपका है उसके ठीक पहले वाला ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है, ये आंसर होगा आपका। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, 3 कैटेगरीज, कौन कौन से, ओआर, एनओआर और एनआर, ठीक है। आई 64 एजुकेशन अलाउंस रिसीव बाय द एम्प्लॉय इज टैक्स फ्री, एजुकेशन अलाउंस जो बच्चों के लिए आपको मिलता है वो दो बच्चों तक एग्जेम्प्ट होता है, कितने बच्चों तक, अप टू टू चिल्ड्रेन, फॉर टू चिल्ड्रेन। अंडर विच द वर्क ऑफ अ डॉक्टर इज कवर्ड, ट्रेड, बिजनेस, डॉक्टर प्रोफेशन में आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोफेशन में आता है। 66 डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन, ये तो अकाउंट क्वेश्चन है, फिक्स एसेट्स, ये आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पढ़ाया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सेलिंग एक्सपेंसेस, ये कैपिटल गेन है, जब हम अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी के बेचने पर ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं, उस एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी होता है, हम बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं पेपर में, कमीशन भी देते हैं, बुक देते हैं, यानी इसमें ये नहीं होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं। 68 डिविडेंड रिसीव बाय शेयर होल्डर इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज डिक्लेयर्ड, जो हमको डिविडेंड मिलता है ना कई जगहों से, कौन सा डिविडेंड अगर हम पाए तो एग्जेम्प्ट होगा, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, पर ये ऑप्शन है, कोऑपरेटिव वाला टैक्सेबल है, डोमेस्टिक कंपनी है, ये देखिए डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी से मिलने एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल, कैपिटल गेन में है, जब आप मकान बेच के जो कैपिटल गेन कमाते हैं फिर से मकान में लगा देंगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, और ये एग्जेम्पशन इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों को मिलता है, तो ये आपका और एसएससी नहीं, इंडिविजुअल नहीं, एचयूएफ दोनों को मिलेगा, यानी 69 हो गया आपका। 70 डिविडेंड डिक्लेयर बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉर यूनिट होल्डर इज यूटीआई के थ्रू डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, तो यूनिट होल्डर की एग्जेम्प्ट है, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए टैक्सेबल है, यानी यहां एग्जेम्प्ट है। रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एड सो टीडीएस की बात कर रहा है, टीडीएस की बात कर रहा है, टीडीएस लॉटरी पे टीडीएस 30% रेट से कटता है। 72 में आता हूं। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन कैन बी सेट ऑफ, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस है तो उसी बिजनेस से पूरा होगा, किसी और से पूरा नहीं होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस से पूरा होगा, ठीक है, इसी से पूरा होगा। फिर रिलीफ इन टैक्सेस इज अवेलेबल अंडर, जो रिलीफ मिलता है ना वो किस सेक्शन में मिलता है, सेक्शन 89 में मिलता है रिलीफ। 74 लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ ड्यूरिंग हाउ मेनी ईयर, जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है अगर प्रीवियस ईयर में वो कवर नहीं हो पाया तो आगे जाएगा और आगे 8 साल तक, सब्सिक्वेंट 8 ईयर्स तक, यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं हुआ है वो 8 साल तक आगे जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 75 अंडर सेक्शन 80D इन केस सीनियर सिटीजन मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड, 80D हेल्थ पॉलिसी के लिए है, अगर आपने अपने हेल्थ पॉलिसी के लिए बीमा कराया है और जो प्रीमियम दिया है वह प्रीमियम कितना तक डिडक्शन दिलाएगा, तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, बट इसमें है नहीं ऑप्शन, यानी सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम 50,000, यानी जो प्रीमियम की अमाउंट है और 50,000 विच एवर इज लेस, तो देखिए इसमें ऑप्शन 50 नहीं है, यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये दिस वन, ये आपका पूरा टॉपिक
सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, बहुत इजी पेपर आया था जो मैंने प्रिपरेशन कराया था, उसमें बहुत से क्वेश्चन लाइन से हैं, क्वेश्चंस लगा दिया, एक बार आप देखिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो मैं बताया हूं और आप इस अलग हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन एप्रोप्रिएट हैं। एमसीक्यू के एग्जाम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है आंसर्स को लेके, दो तीन क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, यहां भी वो पॉसिबिलिटी है, बट एज पर माई ओपिनियन जो मैंने लगाया वो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर्स है, ठीक है। आप इससे पता करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बेस्ट विशेष है हमारा, ठीक है। वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, और इसका सॉल्यूशन जो इसका आंसर मैंने लगाया है अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर भेजिए। फिर आपके सेकंड पेपर के आंसर के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक लिए थैंक्स।